गाइस फाइनली मैंने 15 प्रो ले लिया। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग के अंदर। और भाई आज अपने 75 डे चैलेंज के 74 डे, भाई 73 कंप्लीट हो गए। बस आज का डे कंप्लीट होने के बाद में एक दिन और बचेगा और अपने 75 डे कंप्लीट हो जाएंगे यार। भाई मैं सोचा नहीं था, कसम से सोचा नहीं था ये चीज़ की भाई मैं कर लूँगा 75 डे, मतलब अपने हो जाएंगे। पर आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना कि 74 पे खड़ा हूँ और एक और दिन बचा है, सिर्फ एक दिन, कल का दिन लास्ट डे, और अपने डे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे यार। खुश हूँ बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ के लिए, इतना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने लाइफ में कोई एक चैलेंज वो लिया है ना, एक्सेप्ट करा है ना, उसको पूरा कर दिया। और वो भी कितना अच्छा है कि भाई अपने गरीबों की हेल्प करी है, हर दिन ज़रूरतमंद को खाना खिलाया है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे दिया, जो खाना खा रखा है उसी को दे दिया, ऐसा कभी नहीं करा भाई। जिस बंदे को भूख लगी है, जिस ज़रूरतमंद को भूख लगी है, जैसे वो कोई माँ हो, कोई बहन हो, और कोई भी हो, या कोई भैया हो, है ना भाई, कसम से मैं बता रहा हूँ ना, इतने ज़रूरतमंद लोग हैं ना अगर दुनिया में, है ना, अगर तुम निकलोगे ना कुछ ये करने के लिए, खाना खिलाने के लिए किसी को भी, एक ज़रूरतमंद को, तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। तुम्हें ऐसा करेगा कि यार मैं इनको ना, ऐसी कंडीशन होती है भाई उनकी, है ना, कि मैं डेली करूँ उनके लिए, एक दिन नहीं, मैं उनको ना हमेशा खिलाता रहूँ खाना, कल भी खिलाऊँ, परसों भी खिलाऊँ। मैंने देखा है भाई मेरी लाइफ में, मैंने करा भी है, बट मैं ना, मैंने जो बोल रखा है ना कि एक ही बंदे को खिलाऊंगा खाना, तो भाई अगर मेरे को ऐसा लग जाता ना कि ये बंदे को नीड है, कल भी खाना नहीं मिल पाएगा, उसको मैं ना खिला के आता हूँ खाना, पर उसका वीडियो नहीं बनाता मैं, क्योंकि मेरे को इस पर ना एक ही चीज़ दिखानी होती ना कि एक ही बंदे को खाना खिलाना है, और एक डे वो ये, बाकी अपने 75 डे कम्प्लीट हो जाएंगे ना गाइस, कल का दिन है, उसके बाद में अपन ये चीज़ करते रहेंगे। हर कोई भी जरूरत उन्हें मिल जाएगा ना, उसको खाना खिला देंगे भाई, या मेरे से जितना बनेगा ना मैं उतना करूँगा भाई, जितना हो जाएगा ना, कि मेरे पास अगर 100 रुपये पड़े होंगे ना तो मैं 50 रुपये खर्च कर दूँगा उनके लिए, बस मेरे पास रहेंगे। अगर मेरे पास खुद के पास ही नहीं रहे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ फिर भी मैं कर दूँगा भाई, इतना तो है कि कर दूँगा। कोई अगर ज़रूरतमंद आएगा ना मेरे पास खाना खाने के लिए या कुछ मांगने के लिए, तो मैं उसको कभी मना नहीं करूँगा हमेशा। यही है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरे को है ना ये वाला नहीं दिए, ये वाला ही दे भगवान मेरे को, कि मैं हमेशा देता ही रहूँ इंसान को। बाकी देखते रहो आप आज अपना डे कैसे स्पेशल होता है, ठीक है ना। नमस्ते, खाना खा लिए क्या, खा के आए हो? नहीं अभी ना, मांग के आएंगे गलिया में से। अच्छा मांग के आओगे, तो आज मांगना मत, तो आज छुट्टी कर लो मांगने की, हम खिला देते, है ना। क्या खिलाओ, क्या खाओगे बताओ? पराठे वराठे लाऊं, पराठे खा लोगे आज? लेकिन फिर मांगना मत शाम तक, पक्की बात? ठीक है चलो, ठीक है आप इधर इधर बैठ जाओ, बाकी आप वहाँ बैठ जाओ सामने। नहीं यहाँ यहाँ सामने। हाँ मैं ला रहा हूँ ना, ठीक है ला रहा हूँ। पानी की पानी की बॉटल चाहिए भाई। ले लेंगे, ये तो मिल जाएगी। लो भाई बच्चों की डिमांड है, पानी की बोतल भी लेनी है यार उनके साथ खाने। भैया पानी की बोतल मिल जाएगी? एक दे दो नॉर्मल। हाँ ये दे दो ना, खाने के साथ पानी की बोतल तो चाहिए यार। बच्चों को पहले पता था पानी मिलेगा नहीं, इसलिए पहले मुझे देता हूँ। कितने? लो भाई तो। आज नहीं लग रहा अंकल ऐसा खड़ूस टाइप में, कुछ बोल ही नहीं रहा। वो सीरियस है? अरे सीरियस है क्या, क्या कैमरा लगा के आ गया सामने? भाई अपनी पूरी सब्जी पैक हो गई है, पानी की बोतल भी आ गई गाइस, अब पूरी पैक हो रही है हमारी भैया के पास, और उन बच्चों के पास जाएंगे उनके मम्मी के पास, खाना वाना खिला देंगे उनको अच्छे से पेट भर के। ओह नाइस, अब अच्छा लग रहा हूँ यार, आज लड़कियों के जैसे मेरे चेहरे पे ग्लो आ रहा है, लड़की तो नहीं हूँ पर मैं बड़े। भाई अपना डे कम्प्लीट करेंगे भाई, उनके लिए पैक हो गया खाना वाना, आंटी के लिए और उनके बच्चों के लिए, सीधा वहीं निकल रहे हम खाना लेने के लिए। आ जाओ, वो मेरा 15 प्रो तो दे दो यार, कुछ बोलने की रखिए क्या, तो 15 प्रो दे दो गाइस। फाइनली मैंने 15 प्रो ले लिया, डर लग रहा दोस्तों, इनको पता नहीं यार, खोल के दिखा दे, अनबॉक्सिंग करके दिखा दे, ये देख लो भाई मेरा है, मेरा ले लिया, आप कल से 15 प्रो में शूट करूंगा मैं। गिर गया 1.5 लाख का, 1.5 लाख खर्च कर दिया हमने सिर्फ आपके लिए। गिराना मत भाई,
अटैक आ जाएगा मेरे को, अच्छे से रखना इसको। लो भाई कल से 15 प्रो में है ना सूट, ब्लॉग अच्छा आएगा। कल लास्ट डे भी अपना 75 डे का, और 15 प्रो से स्टार्ट करेंगे। 512 जी भी दोस्तों। ठीक है ठीक है ठीक है, एक हो गया अपने पूरी सब्जी भैया के पास। ठीक है दीदी, बाय बाय। डांस कर रहा है, ये होती है खुशी भाई, खुशी। लो गाइस फाइनली आज अपना 74 डे था वो कंप्लीट हो गया भाई बहुत अच्छे से। और देखो उन दीदी को देखा ना आपने, मतलब ऐसे दिल खुश हो जाता है ना यार, ऐसे नीडेड पीपल मिल जाते हैं ना बच्चे, जिनको है ना देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार इनको सच में खाने की नीड होती है। कुछ भी नहीं है भैया, जो आप कराओ खिलाओगे ना वही खा लेंगे हम, तो कोई डिमांड नहीं है, कोई कुछ ही नहीं है उनकी। अपन समझ सकते हैं यार मजबूरी की, यार वो सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए ना ऐसे करते हैं इतनी मजदूरी का। वो उनसे पहले मैंने पूछा ना खाना वाना खाया नहीं खाया, तो उन्होंने बोलते भैया मैं ना मांग के खा लेंगे, तो भाई पहले ही बोल दिया था कि आज मांगना मत, हम खिला रहे हैं आपको, मांगना मत। तो बोले ठीक है आप खिला दो, नहीं मांगेंगे। बट होता है यार, मतलब दिल खुश हो गया यार, कुछ भी बोलूँ मैं। अपना 74 डे है ना बहुत अच्छे से कम्प्लीट हो रहे हैं, लास्ट के बोल रहे थे ना 6-7 दिन अच्छे से कम्प्लीट होंगे वही कम्प्लीट होंगे। और भाई कल वाला वीडियो बहुत अच्छा था, योगी जी आए थे अपने जोटवाड़ा क्षेत्र में, मतलब मज़ा आ गया उनको देख के। और अपना इसी के साथ 74 डे कंप्लीट होता है गाइस, और कल का दिन है ही आपको पता है ना कितना अच्छा होगा 75 डे। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या नहीं, अभी कुछ पता नहीं है, वो कल की कल ही देखेंगे, कुछ अच्छा भी हो जाए कैसा भी होगा, पर अपने को डे कंप्लीट करना है और 75 चैलेंज को पूरा एक्सेप्ट कराना, तो उसको पूरा भी करके देखेंगे। ठीक है ना, बस पूरा सपोर्ट करना आप। कल का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है गाइस, मिलते हैं कल के दिन, लव यू ऑल।